हेलो दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान कई बातों का ध्यान आपको रखना होता है। उसमें से एक ये भी है, बेबी के दिल की धड़कन। ये बहुत जरूरी होता है समय पे धड़कन आ जाए। कई बार समय ज़्यादा लग जाता है, कई बार धड़कन सही समय पे आ जाता है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि प्रेगनेंसी के इस हफ्ते तक भी अगर बेबी की धड़कन सुनाई नहीं दे तो समझ लें खतरे में है बच्चा। तो वो कौन सा वीक है और आपको क्या करना है? कंसीव करने से लेकर डिलीवरी के आखिरी हफ्तों तक गर्भ में बेबी का विकास लगातार होता रहता है। पहले हफ्ते से लेकर आखिरी हफ्तों तक बेबी के शरीर में महत्वपूर्ण अंगों का विकास होता है। किसी हफ्ते में बेबी के हाथ बनने शुरू होते हैं तो किसी सप्ताह में उनके मस्तिष्क का विकास होता है। बेबी के डेवलपमेंट, हार्ट बीट यानी दिल की धड़कन भी एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि किस सप्ताह से शिशु के दिल की धड़कन चलनी शुरू होती है। दोस्तों, गर्भावस्था के 5 से 6 हफ्ते के आसपास दिल की धड़कन शुरू हो जाती है और अल्ट्रासाउंड में हार्ट बीट सुनाई देना शुरू होती है। हालांकि दिल अभी तक पूरा विकसित नहीं हुआ होता है, लेकिन फिर भी धड़कन सुनाई दी जा सकती है। प्रेगनेंसी के 10वें हफ्ते तक बेबी का हार्ट पूरी तरह से विकसित हो चुका है, पर अगर हार्ट बीट सुनाई नहीं दे, आप डॉक्टर के यहाँ जाएं और डॉक्टर आपको ये बोलें कि अभी तक आपके बेबी का हार्ट बीट नहीं आया है, तो आपको क्या करना है? हो सकता है आपको अपने पहले अल्ट्रासाउंड में बेबी का हार्ट बीट सुनाई ना दे। यह किसी समस्या का संकेत नहीं है दोस्तों। डॉक्टर इसके 1-2 हफ्ते के बाद दोबारा अल्ट्रासाउंड के लिए कह सकते हैं। बेबी के गर्भाशय की कंडीशन के आधार पर ही हार्ट रेट में बदलाव आता है। कई शिशु का हार्ट बीट पहले ही शुरू हो जाता है, कई शिशु का जो हार्ट बीट होता है बाद में आता है। तो जो दिक्कत वाली बात है, जो प्रॉब्लम वाली बात है, अगर 5 से 6 हफ्ते तक बेबी की हार्ट बीट सुनाई देने लगे तो ये नॉर्मल होता है, और जैसे जैसे समय ज़्यादा लगने लगे, हार्ट बीट नहीं आया तो डॉक्टर आपको 1-2 सप्ताह आगे करेंगी, पर फिर भी नहीं आया तो हो सकता 1 सप्ताह और करेंगे, पर 10 सप्ताह के बाद ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तब खतरा है। यानी कि 5, 6, 7, 8 इतना तक तो नॉर्मल है दोस्तों। 8 हफ्ते के बाद हार्ट बीट अगर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत है, इसमें आपकी जो मदद है डॉक्टर ही कर सकती हैं। आपको उनसे अच्छे से बात करना है, अच्छे से चेक कराने हैं। फिर भी कोई समस्या आपको ऐसा लग रहा है तो आप सेकेंड ओपिनियन भी ले सकते हैं, ताकि आपके मन में कोई शंका पैदा नहीं हो। तो मैं आशा करती हूँ ये जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।